भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। तन का पेट जो है वह 4 रोटी में भर जाएगा, 14 रोटी में भर जाएगा, 40 रोटी में भर जाएगा, लेकिन मन का पेट पूरी दुनिया की संपदा भी डाल दो तो लास्ट में खाली का खाली रहा करता है। मन का पेट कभी भरता नहीं है, ध्यान रखें। एक जगह में आ रहा था विहार करते हुए, पनघट पर एक महिला पानी भर रही थी। ऐसे दृश्य गांवों में देखने को मिलते हैं, शहरों में तो दिखते नहीं, अब तो पानी ही हमारे घर में आ जाता है, हमें पनघट जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो गांव था, एक महिला कुएं से पानी खींच रही थी। उसने रस्सी ली, बाल्टी डाली कुएं पर, और जैसे ही कुएं में बाल्टी गई, ऐसा लगा कि बाल्टी भर गई, डूब गई पानी के अंदर। लेकिन जैसे ही उस महिला ने रस्सी ऊपर खींची, बाल्टी खाली की खाली वापिस लौट आए। उसने कहा, ये कुआं कैसा है, आज हो क्या गया इस कुएं को, मैं बाल्टी पानी में डाल रही हूं, बाल्टी अंदर जा रही है, लेकिन जब निकालो तो ऊपर खाली की खाली निकल आती है। उसने कहा कि ऐसा करो, अब ये वाला कुआं तो मेरी बाल्टी भर नहीं रहा है। उसने एक बार और बाल्टी डाली, भीतर जाए बाल्टी भरी दिखे, बाहर आए तो उसने कहा, यार ये कुआं आज गड़बड़ क्या कर रहा है, सबकी बाल्टियां भर रहा है, मेरी बाल्टी नहीं भर रहा है, सामने वाला बाल्टी डाल रहा है उसमें से पानी ऊपर आ रहा है, मैं डालती हूं तो मेरी बाल्टी खाली की खाली। लो, उसने कहा छोड़ो ये कुआं बेकार है। उसने लिया कुआं, बदल लिया, ये कुआं छोड़ा, दूसरे कुएं में गई, वहां जाके बाल्टी डाली, वही दृश्य वहां पर हुआ, वही घटना वहां पर घटी, बाल्टी पानी में जाती भर जाती, ऊपर आती तो खाली हो जाती। उसने कहा, आज मेरी बाल्टी में हो क्या गया है, आज इस कुएं में क्या हो गया है, ये कुआं इतना पक्षपाती क्यों हो गया, ये धनवान की बाल्टी भर रहा है लेकिन मुझ गरीब की बाल्टी नहीं भर रहा। उसने फिर कुआं बदल लिया। कहते हैं सुबह से शाम में उस कुएं, उस गांव में 10 कुएं थे, उस महिला ने 10 कुएं में बाल्टी डाल दी, लेकिन जैसे ही बाल्टी डाली, भीतर जाती ऊपर आती खाली हो जाती। वहां से मैं निकल रहा था, मैंने कहा बहन बड़ी परेशान हो रही हो, अरे बोले सुबह 6 बजे से लगी हूं, 12 बज गए अभी तक एक घड़ा पानी नसीब नहीं हुआ है। मैंने कहा बात क्या है, बोले जिस कुएं में बाल्टी डालती हूं ऊपर निकालो तो खाली की खाली लौट आया करती है। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। बोले इस गांव के सारे कुएं राजनीतिक हो गए हैं, राजनेता बन गए हैं। मैंने कहा मामला क्या है, अरे बोले मेरी बाल्टी नहीं भर रहा है। सुबह से 12 बज गए, हजारों महिलाएं गड़ा भर के ले गईं, मेरी गघरिया खाली की खाली, मेरी बाल्टी खाली की खाली। मैंने कहा कौन से कुएं ने बाल्टी नहीं भरी, बोले गांव के सारे कुएं देख लिए, कोई मेरी बाल्टी नहीं भर रहा है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा बहन एक बार दिखा, तेरी बाल्टी दिखा, उसमें कोई जादू करिश्मा जादू टोना तो नहीं है, मंत्र तक। बोले नहीं बाल्टी तो मेरी परफेक्ट है। मैंने कहा इधर देखा तेरी बाल्टी कैसी परफेक्ट है। वो जैसे ही मैंने बाल्टी देखी, माथा ठोंक लिया मैंने अपना। मैंने कहा कुआं तो क्या बहन, तेरी बाल्टी तो कोई समुद्र भी नहीं भर सकता है, सागर में भी चली जा तो बाल्टी नहीं भरेगी। उसने कहा ऐसा मेरी बाल्टी में क्या है, आपको मालूम हो उसकी बाल्टी में कड़ी भी लगी थी, डंडा रस्सी भी लगी हुई थी, पानी के अंदर जाती थी, लेकिन नीचे से पैंदा उसका गायब था, बिन पैदे की बाल्टी कोई कुआं भरने वाला नहीं। पैंदा नहीं, पैंदा समझते हो, हिंदी हिंदी आती, क्या बोलते हो, हाँ जो बोलते हो समझ जाओ, है ना, वो ही नहीं था जो तुम समझ रहे हो, सही समझना। और ए, बाल्टी के नीचे पैंदा नहीं था। उसने देखा कि पैंदे से क्या मतलब है, कुएं के अंदर जाती है तब तो भरी दिखती है, बाहर आती है तो खाली हो जाती है। मैंने कहा बहन कुओं को गाली मत दे, कुओं को मत कोश, कुओं को भरा बुला मत बोल,
अपनी बाल्टी को सही करने का प्रयास कर। उसने कहा इसमें क्या किया जाए। मैंने कहा जा किसी लोहार के पास जाना और इस बाल्टी में एक पेंदा लगवा लेना। अरे कुएं की क्या बात है, छोटा सा पोखर भी तेरी बाल्टी को भर देगा। बिन पेंदे की फूटी बाल्टी कितने भी कुएं में डालो भरने वाली नहीं है। आप कहेंगे महाराज वो महिला पागल थी, बेवकूफ थी, जो टूटी हुई बाल्टी फूटी बाल्टी डाल रही थी कुएं में। मान्यवर, वो कुएं में बाल्टी फूटी डाल रही हो या नहीं डाल रही हो, हम सबकी बाल्टियां फूटी तृष्णा के कुएं में डली हुई है, लोभ के कुएं में डली हुई है, आकांक्षाओं के कुएं में हमारी बाल्टियां डली हुई है। आप लाख कोशिश कर लो, मंदिर जाओ, पूजा करो, पाठ करो, मुनियों की वंदना कर लो, कुछ भी कर लो, एक बात आपसे निवेदन है। उस महिला को मैंने कहा कि इसमें एक पेंदा लगा ले, और आपसे भी कह रहा हूं कि जीवन में यदि सुखी होना है तो मन की फूटी बाल्टी में संतोष का पेंदा लगा करके जियो, तुम्हारा जीवन आनंद में परिवर्तित हो जाए। संतोष रखिए थोड़ा सा मन में, ध्यान रखिए जाके घर संतोष धन, सब धन धूल समान। ध्यान रखिए संतुष्टि जीवन में आना चाहिए। कब तक भागेगा ये आदमी, कब तक भागेगा, कब तक भागेगा? ऐसा लगता है मुझे तो सुबह सुबह देखकर इतना ट्रैफिक, मुंबई में मैंने ट्रैफिक देखा, बाप रे, आदमी के पास टाइम नहीं। उससे पूछो कहां भाग रिया है तो बोले मेरे पास टाइम नहीं है बताने का मैं कहां भाग रहा हूं। अरे मैंने पूछा ओ भाई बता तो दे इतना तेज कहां जा रहा है, ए, जो देखो वो आगे जा रहा है, आगे भाग रहा है, पीछे की गाड़ी आगे भागने का प्रयास करती है, मोटरसाइकिल आगे भागने का मैंने कहा इतना तेज ये आदमी भाग कहां रहा है। एक आदमी से मैंने पूछा मुंबई में कि कहां जा रहे हो इतने तेज, बोले मुझे नहीं पता, वो आगे वाला जा रहा है उसके आगे मुझे जाना है। तो मैंने कहा यार पीछे वाले से पूछ लेना। पीछे वाला आया, मैंने कहा इतना तेज कहां भाग रहे हो, बोले हमारे पास इतना टाइम नहीं है बताने का, वो भाग रहा है इसके पीछे मैं भाग रहा हूं। देखते देखते हजारों से पूछा आदमी भागते जा रहा, भागते जा रहा, भागते जा रहा है, लेकिन आदमी को ये नहीं पता कि उसकी मंजिल कहाँ है। ऐसे भागते हैं लोग, कभी जाम ट्रैफिक में देखना ऐसे भाग रहे हैं ऐसे। मेरे पास छोटे महाराज थे, मैंने कहा यार महाराज जी इतने लोग क्यों भाग रहे हैं, इतना तेज क्यों जा रहे हैं। वह तो छोटे महाराज बोले महाराज ऐसा लग रहा है जैसे इनके पीछे कोई कुत्ता पड़ा हो और ये दौड़ करके भाग रहे। ध्यान रखिए मान्यवर, कितनी भाग दौड़ है जिंदगी में, थोड़ा विश्राम किया करो, थोड़ा आराम किया।